गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, कुड यू लिसन मी प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो मिस्टर विकास सिंह, मिस्टर अभिनव, अभिषेक यादव, मिस अदिति, आदित्य उपाध्याय, मिस कांक्षा, अल्पना। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो, हेलो, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर म्यूट हो गया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आईडी फैंस। गुड मॉर्निंग सर। सर को सुनाई नहीं दे रहा है भाई। उनको सुनाई दे रहा है ना? हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेनी टाइम्स यू हैव टोल्ड मी गुड मॉर्निंग सर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एज वेल एज गुड आफ्टरनून। प्लीज कम टू द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, आई गॉट अ लिटिल लेट टुडे ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई वॉज टेलिंग, I was teaching you use of can and may, and I had told you that in all the sentences by which you are going to take any type of permission, you can use may. And in can, I told you the negative formation and examples also. Today we have to study can plus subject, then V1, then object. For simple word interrogative. My dears, let me write. Can you tell me one thing? Remember always, if you are going to ask a question related to our using can, keep in your mind, with your juniors or with your similar person, you can ask questions related to can. Can से आप प्रश्न तभी पूछेंगे जब आप अपने जूनियर से बात कर रहे होंगे, और can से आप प्रश्न तब पूछेंगे जब आप अपने मित्र मंडली के बीच में होंगे. Suppose आपको प्रिंसिपल सर से कुछ बातचीत करना है, यू हैव टू नेवर यूज कैन विद हिम. उनके साथ आप कैन का प्रयोग नहीं करेंगे.
So we have to be proceed. So let me tell you what about question of WH words. Then can, then subject, then V1, then object. At last question mark. What can I do for you? Next, where can he be? Next, when can you come? I have written three questions related to WH type. My dear students, if you want to ask a question related to or using can, you can use what means WH words in the first of the sentence, and secondly you have to use can, and on the third place we have to use subject, then V1, then object. Uske baad aap object ka prayog karke sentences ko aise bana sakte hain. So if I'm asking to you, hey, what can I do for you? Your reply must be as nothing. Kuch aap iska uttar is tarike se de sakte hain. So dear students, can I leave this topic right now? Tell me, boys and girls. Hello, students. Yes, sir. अभी इसको छोड़कर आगे बढ़ा जाए. Yes. Yes. चलिए. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, बेटे. Sir. हाँ. Sir, एक question है. हाँ, बोलो. You. हाँ. Dash live in my house. और box में दिया है can, may, should, could. रुक जाओ बेटे, रुक जाओ. You. कमा. Dash. बॉक्स है, फिल इन द ब्लैंक. डस लिव इन माय हाउस. लिव LIVE. LIVE. हाँ, यस सर. लिव इन माय हाउस बॉक्स में, बोलो. बॉक्स में दिया है कैन, मे, कूड, सूड. मे, कूड, should. क्या भरेंगे ये? पहले देखो जो मैं लिखा हूँ ऐसे ही है. यस सर. हाँ, यस सर. हियर इट इज गिवन कॉमा. यस. नो सर, नो सर. नाउ इट इज राइट. यस सर. यही दिया है. ओनली यू इज गिवन. Yes, sir. And then, does. Yes, sir. Easily can it can be filled. You can live in my house. तो मेरे घर में रह सकते हो. पर सर, आप can शक्ति और शक्ति के लिए पता क्या ही. हाँ, शक्ति और सामर्थ्य के लिए. You can live in my house. It means आप परमिशन दे रहे हो ना. Yes, sir. Dear students, remember always, परमिशन लेना और परमिशन देना वो दो बातें हैं. परमिशन लेने के लिए आपको मे का प्रयोग करना है, बट वाइल यू आर गिविंग परमिशन तो आपको कैन का प्रयोग करना है. सपोज अगर रिजेक्ट करना हो तो. लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज यू आस्क्ड मी, सब आपने मुझसे पूछा, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो मैं आपसे कहूंगा हाँ आप जा सकती हो या जा सकते हो. तो अंग्रेजी में मेरा आंसर होगा यस यू कैन. ठीक है. हाँ, यस यू कैन गो. सर, रिजेक्ट करना हो इसी को, यहाँ पे रिजेक्ट करने के बाद अगर हम बोले कि नहीं तुम नहीं जा सकते मेरे हाउस में, तब क्या फील करेंगे? नॉट, यू कैनॉट लीव इन माई हाउस.
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटे। और कोई कैन और मई से क्वेश्चन है? माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू कैन और मई? नो सर। नो सर। ओ, अब हम लोग क्या पढ़े बताओ? टेल मी, सर अभी स्टोरी पढ़ाई है। स्टोरी? चलो, यूज ऑफ देयर वेरी शॉर्टली आई टेल यू। देयर दे डेयर सर डेयर डेयर ओ डेयर यूज of dare, yeah? Sir. Bete, you know the Hindi meaning of dare? Himmat karna. Yes, sir. Himmat. Himmat karna, yeah, himmat. My dear students, dare aapko tab samajh mein aa jayega jab aap dare ko as go, come, यूज, टीयर इस रूप में आप देखेंगे। इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतना आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ जी, डेयर साहस, यस यस, साहस के, साहस रखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब सबसे पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज देखें। पर इसका फॉर्मेशन, लेट मी राइट द फॉर्मेशन। सब्जेक्ट प्लस डेयर ऑब्लिक डेयर्स, देन टू प्लस वी वन, देन ऑब्जेक्ट, लेट मी राइट सम एग्जांपल्स विद प्लूरल सब्जेक्ट एज यू हैव स्टडाइड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद आई, वी, यू, दे। दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है ही, शी, इट एंड सिंगुलर। इनके साथ फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई डेयर टू गो देयर, आई डेयर टू गो देयर मीन्स आई हैव डेयर। Listen to me, इसका मीनिंग भी आप देखें। आई डेयर टू गो देयर मतलब मैं वहां जाने की क्षमता रखता हूं, मैं वहां जाने का साहस रखता हूं, मैं वहां जाने की हिम्मत रखता हूं। द सेकेंड, यू डेयर टू स्टे हियर इन द नाइट। You dare to stay here in the night। रात में रुकने की क्षमता केवल तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे पास बस हिम्मत है रात में रुकने की। The third, रोशनी, रोशनी, अब रोशनी is singular subject that, then we have to use dares। रोशनी dares to cook in the field।
खुले आसमान के नीचे खाना बनाने की क्षमता रखती है, हिम्मत रखती है कौन? रोशनी। सो माय डियर स्टूडेंट, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी रिलेटेड टू डेयर एंड डेयर्स। नाउ आई एम गोइंग टू राइट नेगेटिव फॉर्मेशन। सब्जेक्ट देन do oblique does, then not, then have, then dare, then to, even object. Let me write another negative formation where need will work as a helping verb. Need not to plus even then object. My dear students, two formation I have written here. Let me write. Don't have dare to climb on tree. You don't have dare to climb on tree. It means आपके पास वो, तुम्हारे पास वो हिम्मत नहीं है कि तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो, या पेड़ पर चढ़ सकने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। इसी सेंटेंस को दूसरे फॉर्मेशन से जब आप बनाएंगे, इट मस्ट बी यू सॉरी डेयर नॉट यू डेयर नॉट हैव नो नो यू डेयर नॉट डेयर नॉट टू क्लाइंब ऑन ट्री। यस, so my dear students, you can write both formations into your copy, in your copy, and you can write many examples jaisa ki maine banaya hai. In dono tarike se aap bana sakte hain. Ab iska question dekhte hain. Question iska question wala formation kaisa hoga. Let me write at the very first, do then does or oblique does then subject have then dare then to even object question mark as do you have dare to live with me? The second, does Sunanda have dare to kill anyone? हमारे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस होंगे डेयर से वो इस तरीके से बनते हैं। यू कैन सी दीज टू एग्जांपल्स, आई हैव रिटन हियर टू एग्जांपल्स। डू यू हैव डेयर टू लीव विद मी, एंड द सेकंड, डज सुनंदा हैव डेयर टू किल एनीवन। नाउ डब्ल्यू एस वर्ड लेट मी राइट। Then do does then subject then have then dare then to then even then object. Why do you
have dare to kill me. When does she have dare to sing a song? My dear students, two examples are enough. इस चैप्टर में हमने डेयर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना सीखा. अब पास्ट इंडेफिनिट में चलते हैं. कीप इन योर माइंड द वर्ड डेयर हैज इट फाइव फॉर्म्स: डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स. डेयर और डेयर्स का यूज हमने देखा. अब डेयर्ड का प्रयोग हम लोग देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस डेयर्ड to, then V1, then object. मैंने हिम्मत जुटा करके उसे रोका. I dared to prevent him. My dear students, आपको समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट सुष्मिता dared to write a love letter. Romy dared to celebrate his birthday in the forest. In the forest. My dear students, dare को as a verb हमने select किया. फिर इसका second form हमने यहां use किया. Past indefinite में आपने पढ़ा होगा subject plus V2 plus object. यहां एक छोटी सी भिन्नता है. एट द वेरी फर्स्ट वी हैव टू पुट सब्जेक्ट, देन डेयर्ड, देन टू प्लस वी वन. एज आई हैव रिटन, आई डेयर्ड टू प्रिवेंट हिम. मैंने उसे रोकने की पूरी हिम्मत की या जुटाई, मैंने साहस किया. शी डेयर्ड, उसने बड़ा साहस दिखाया टू से टू मी, मुझसे यह कह पाने के लिए क्या, आई लव यू. सुष्मिता डेयर्ड टू राइट अ लव लेटर. सुष्मिता ने बहुत साहस दिखाया क्या करने के लिए, टू राइट अ लव लेटर, प्रेम पत्र लिखने के लिए. रोमी डेयर्ड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द फॉरेस्ट. रोमी ने बड़ा हिम्मत दिखाया, बहुत साहस दिखाया और बहुत औकात दिखाया टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द फॉरेस्ट, जंगल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में. तो माय डियर स्टूडेंट्स, these are passive sentences, and if you want to write in negative mode, you'll have to did not, you'll have to use did not as. Let me write the negative formation. Subject then did not dare plus to plus V1. सर इसमें डेयर नहीं होगा क्या बेटे?
बोलो हेलो हेलो स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी बोलो इट मीन्स यू हैव नो क्वेश्चन बेटे दिस इज नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस एंड मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट यू विल हैव टू यूज V2 बट इन नेगेटिव एंड इन क्वेश्चंस यू विल हैव टू यूज ओनली V1 दैट्स व्हाई आई हैव रिटन V1 हियर बिकॉज V1 the word dare will come just after did not as he I did not dare to say her anything मैं उससे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया नहीं कर पाया नेक्स्ट तान्या डिड नॉट डेयर टू आस्क फॉर 5,000 rupees टू हर फादर फादर देखा आपने स्टूडेंट्स यस सर बेटे इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे एंड व्हेन यू विल कीप डिड जब आप डिड को बाहर निकाल देंगे तो वो सिंपल वर्ड इंट्रोगेटिव बन जाएगा WH वर्ड को उससे पहले रख देंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका फ्यूचर भी बनता है एकदम सेम वे में जैसे फ्यूचर इनडेफिनिट आपने बनाया होगा उसी तरीके से आइए यूज ऑफ नीड पढ़ें बोलो विल यू प्लीज टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी हाँ बेटे आपको सुनने की आवश्यकता है क्योंकि मैं यहाँ पर जाग रहा हूँ तो हम लोग नीड का यूज देखते हैं बेटे नीड का यूज जो है हम लोग भी जागे हाँ हाँ बहुत ही आवश्यक है जगना नीड का प्रयोग बिल्कुल डेयर की तरह ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज आप कर सकते हो पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज आप कर सकते हो और फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका यूज आप कर सकते हो इन दो तीन टेंसेस में इसका प्रयोग आप कर सकते हो चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है और हमने इस पर चर्चा कल की थी अब हम किसको बताएं बताओ नीड पर चर्चा हमने कल की थी बोलो एक बार और बता दीजिए एक बार और बता दीजिए ओ माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहूं व्हाट कैन आई से टू यू यस्टरडे बिफोर डे बिफोर यस्टरडे आई डिडंट डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ नीड बेटे यूज ऑफ नीड के बारे में तो मैं आपसे चर्चा ही नहीं किया फिर आप क्यों कह रहे हो कि सर एक बार और बता दीजिए बोलिए पढ़ पढ़ के दिखाया करो सर क्लास नहीं कर पाए थे ना ओह कौन हो आप व्हाट्स योर नेम सर नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए ओह नो प्रॉब्लम बेटे अब देखो ना In present indefinite, we are going to use need. बेटे need का प्रयोग
आवश्यकता दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे इफ आई से टू अ सेंटेंस, मुझे एक आवश्यकता दर्शाने के लिए आवश्यकता है या जरूरत है, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, मुझे एक गिलास पानी की आवश्यकता है, इसका मतलब कि याद रखें, इफ यू फाइंड अ सेंटेंस एज मुझे एक पेन चाहिए, यदि आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं मुझे एक पेन चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नीड का मतलब जरूरत से होता है, मुझे एक पेन की जरूरत है या मुझे एक पेन चाहिए। तो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं आप देखें, नीड और नीड्स विद प्लूरल सब्जेक्ट you will have to use need and with singular subject you will have to use needs as Vedika needs more study of Vedas. वेदाज, हाँ वेदाज, वेदाज वेदों को कहते हैं बेटे अंग्रेजी में। देखिए ना, हमने लिखा है वेदिका नीड्स, मतलब वेदिका को जरूरत है, वेदिका इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने पांचवा फॉर्म यूज किया है। मोर स्टडी मतलब उसको वेदों के और अधिक पढ़ने की जरूरत है। और टू क्यों नहीं यूज, इसमें टू नहीं लगेगा, टू आ और जो दूसरे वाले सेंटेंसेस देखो उसमें आते हैं शी, तो कैसे पता चलेगा कहाँ टू यूज करेंगे? हिंदी सेंटेंस से बेटे, हिंदी सेंटेंस से अच्छा। पता चलेगा शी नीड्स टू ईट An apple. अब देखो ना, ध्यान दो, she needs to eat an apple. उसे एक सेब खाने की आवश्यकता है, उसे एक सेब खाने की जरूरत है, लेकिन अगर उसे एक सेब की केवल जरूरत होगी हिंदी सेंटेंस से, तो आप इसको हटा देंगे। She needs an apple. उसे एक सेब की जरूरत है। वैसे इस समय रियलिटी बता रहा हूं बेटे, सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट अ रियल सेंटेंस, आई नीड टू स्लीप, वी नीड टू स्टे होम, नो लिसन, मैं अपने लिए रियलिटी बता रहा हूं, आई नीड टू स्लीप, यस यस सर। और दूसरी जरूरत कह रहे हो वन ग्लास ऑफ वाटर, वन ग्लास ऑफ वाटर, देख रहे हो ना, ये मेरी अभी की आवश्यकता है सर, भेजे, नो सॉरी, थैंक यू फॉर आस्किंग, स्नेहा, स्नेहा नीड्स, यस सर, Keep silence. Shut her mouth. Yes. तो बेटे इस तरीके से present indefinite tense में need और needs का प्रयोग आपने देखा। अब आप कई सारे sentences need से related आप present indefinite में लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। Yes sir. चल मी बेटे, yes, sir. Yes, sir. जरूर लिखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड, वन डे आर अदर, लिसन, वन डे आर अदर डे, द डे विल कम व्हेन वी विल मीट,
हम सब लोग मिलेंगे और जब मिलेंगे तो इसका हिसाब किताब मैं करूंगा, मैं देखूंगा कि आपने कॉपी में क्या लिखा है। कब मिलेंगे सर? वेरी सून, एज द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज कमिंग डे बाय डे, न्यू गाइडलाइंस आर कमिंग, वेरी सून वी आर अबाउट टू मीट। स्कूल कब खुलेगा? क्या बेटे? स्कूल कब खुलेगा? इन द लास्ट ऑफ दिस मंथ, जब हम लोग स्कूल जाएंगे। जाएंगे कि आएंगे? अरे स्कूल जाएंगे सर, हम लोग जाएंगे वहां। बेटे ओनली वन मिनट इज रिमेनिंग, सो बिफोर बीइंग ओवर आई से टू यू गुड गुड डे टू ऑल ऑफ यू सर। हां सर, गुड न्यूज सर, ये आप बोलने वाले बोले थे ना कि कन्वर्सेशन का होमवर्क दूंगा पैराग्राफ बनाने के लिए, yes, वो तो दिए ही नहीं। यस यस यस, डेफिनेटली आई विल सेंड, वेट टुडे आई विल सेंड, मुझे याद है मुझे क्या भेजना है। ओके सर, हां या थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर, बाय सर, बाय, हैव अ नाइस डे सर। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर लो। जाओ।